हेलो फ्रेंड्स, सीए एंड सीएस फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि हम ऑलरेडी जो है डिमांड का चैप्टर कर रहे हैं, तो मैंने पहले आपको डिमांड के बारे में बताया, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड उसके बारे में बताया, डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड किया जिसके अंदर हमने उसकी एक्सेप्शन भी देखी, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन देखी। आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी चेंज इन डिमांड, जिसके रिटन नोट जो हैं आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चेंज इन डिमांड है इसका अर्थ क्या होता है। देखो, चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो होती है ये हमें बताती है सिर्फ प्राइस की वजह से क्या क्वांटिटी जो डिमांड हम करते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी जो चीज़ें होती है उसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं। चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड शोज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, वाइल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दे रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हम प्राइस की वजह से क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है किस तरह से जो प्राइस है उसको वो रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एट ए गिवन प्राइस इज शोन बाय ए पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम प्राइस की वजह से जो चेंजेस आती हैं तो नेचुरली वहाँ पे हमें डिमांड कर्व पे जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पता चलता है कि अगर ये प्राइस है तो उस पर हम इतनी क्वांटिटी जो है डिमांड कर रहे हैं। तो चेंज बेसिकली क्या होता है कि देखो, जो प्राइस की वजह से चेंजेस आती हैं तो वो मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व होती है, वहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होता। चेंज इन डिमांड जो होती है तब होती है जब वो लेफ्ट को या राइट को शिफ्ट होती है, और चेंज इन डिमांड जो होती है वो प्राइस की वजह से नहीं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वो कर्व जो है शिफ्ट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राइस की वजह से होती है वो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, देखो जो ऊपर से नीचे है तो एक्सटेंशन है, नीचे से ऊपर है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है, वो प्राइस की वजह से जो डिमांड है उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है वो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड जिसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड भी कह सकते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि देखो, जो चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पे जिसको हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो, यहाँ पे पहले मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अलोंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जब क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं तो ये प्राइस की वजह से चेंज होती है, अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, और चेंज जो होती है वो डिमांड कर्व के ऊपर दिखाई जाती है जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर देखो प्राइस रिड्यूस होती है तो वहाँ पर डिमांड एक्सटेंड हो जाती है, तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और उसी तरह अगर प्राइस के अंदर राइज होता है, प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है इसको हम एक टेबल के द्वारा जो है देखते हैं। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है रेफर टू राइज इन क्वान्टिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। देखो, यहाँ पे पहले प्राइस जो है 5 रुपीज़ है तो डिमांड कितनी है 1, अगर प्राइस रिड्यूस हो जाती है 1 तो क्वान्टिटी डिमांडेड राइज जो है इंक्रीज हो जाती है 2-5। तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, जब प्राइस के अंदर कमी है लेकिन डिमांड एक्सटेंड हो जाती है तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड। इसको हम ग्राफिकली जो है इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेसिकली डिमांड कर्व है वो शिफ्ट नहीं होता, यहाँ पे डिमांड जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्वांटिटी बतानी है, यहाँ पे आपने प्राइस बतानी है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये हमारा जो है डिमांड कर्व है, तो पहले हम यहाँ पे होते हैं, फिर जब प्राइस कम हो जाती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए, तो ये बिंदु जो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को जो है रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे डिमांड कर्व हमारा चेंज नहीं होता, ये एरो मैंने इसी वजह से ड्रॉ किया है जो आपको बताया कि दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, हमारी डिमांड जो है एक्सटेंड हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड,
देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. इसका सिंपल शब्दों के अंदर अर्थ ये है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. तो राइज इन प्राइस की वजह से जब कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड सुकर जाती है, डिमांड कम हो जाती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 rupees प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 5, जब 5 प्राइस हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और यहाँ पे हम अदर जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं. और इसी तरह ही हम इसको ग्राफिकली जो शो है कर सकते हैं. देखो पहले हम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 1 rupees पे हम 5 चीज़ें जो है परचेज़ कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो होती है 5 हो जाती है, तो 5 पे हम एक चीज़ ही खरीदते हैं. अब देखो यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु तक चले गए तो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्शन. जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक्सटेंशन है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन है. यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, क्योंकि जो डिमांड कर्व के जो बिंदु होते हैं वो हमें बताते हैं कि एक्सटेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है. अब हम देखते हैं कि चेंज इन डिमांड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट प्राइस के अलावा जो है अदर डिटर्मिनेंट जो होते हैं उनके अंदर कोई चेंजेस आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अगर देखो इंक्रीज इन डिमांड है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है. देखो ये डिमांड कर्व है और अगर क्या है इंक्रीज इन डिमांड है तो ये बिल्कुल पैरेलल जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर क्या है कि डिमांड डिक्रीज है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से क्या है कि जो चेंज इन डिमांड है यहाँ पे डिमांड कर्व जो है हमारी पोजीशन जो है चेंज कर लेता है. हम देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड मींस राइज इन डिमांड इन रिस्पांस टू चेंजेस इन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. देखो जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे इंक्रीज इन डिमांड जो है, हो सकता है कि व्यक्ति की इनकम बढ़ गई हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस राइज कर गई हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस फॉल हो गई हो सकता है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई हो सकता है कि हमें लगे फ्यूचर में और प्राइस राइज हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अंदर पॉजिटिव चेंज हो सकती है. तो इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी डिमांड जो है पहले से इंक्रीज हो जाती है. और यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से शिफ्ट होता है ये वाला. अब हम इसको इंक्रीज इन डिमांड को जो है इस तरीके से समझते हैं. देखो डिमांड जो है दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है. फर्स्ट है कि हमारी प्राइस सेम रहती है लेकिन उस पर हम ज़्यादा चीज़ें जो है डिमांड करते हैं, और दूसरा होता है कि हमारी प्राइस बढ़ जाती है. यह आपने याद रखना है, सेम प्राइस है बट वी आर क्वांटिटी जो है उस पर ज़्यादा परचेज करते हैं. दूसरा क्या है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है बट हम क्वांटिटी पहले जितनी ही परचेज करते हैं उसको हम कम नहीं करते. तो हम इसको जो है ग्राफिकली देखेंगे. तो यहाँ पे पहले हम इसको समझते हैं. देखो इस तरह से क्या है कि आपने जो है जिन बच्चों को पूरा फुल फ्लेज सब्जेक्टिव पेपर आता है तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है आपने क्या है डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर लेना है, मतलब देख लेना है 5 पे कितना है 4 पे कितना है. जैसे यहाँ पे मैंने, तो ये ओरिजिनल हमारा डिमांड कर्व है. इसके अंदर आप देखो क्या है कि प्राइस जो है सेम रहती है लेकिन उसके अंदर क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है 4 हो जाती है. तो देखो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर देना है 4 पे. और उसी तरह जब प्राइस राइज होती है तो वहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है डिक्रीज नहीं होती, 3 रहती है. तो ये हमारे दो बिंदु आ गए, इन बिंदु को मिला के हमने डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर देना है विच इज़ पैरेलल टू दिस. तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया. तो इसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं. और उसी तरह हम डिक्रीज इन डिमांड जो होती है इसका अर्थ होता है कि जब अदर डिटर्मिनेंट में चेंजेस आती हैं तो हमारी डिमांड जो है पहले से कम हो जाती है, हमारा डिमांड कर्व जो है लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो रीज़न होते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है. तो जब डिक्रीज इन डिमांड होती है अदर डिटर्मिनेंट्स में की वजह से क्या होता है कि हमारी डिमांड पहले से कम हो जाती है तो ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है. तो यहाँ पे जो रीज़न है, एक तो क्या है डिक्रीज इन इनकम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में गिरावट हो गई,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज हो गई और टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है अनफेवरेबल चेंजेस हैं. अब हमें लगता है फ्यूचर के अंदर और प्राइसेस फॉल हो सकती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, तो इनकी वजह से क्या होता है कि हमारी डिमांड जो है पहले से कम हो जाती है. अब हम इसको टेबल के फॉर्म में देखते हैं, तो डिमांड जो है ये भी दो तरीकों से है डिक्रीज़ हो सकती है. पहले देखो क्या है, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो पहले से कम हो गई. और उसी तरह क्या है कि देखो लेस प्राइस है लेकिन क्या है कि हम उस पर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए बट क्वांटिटी हम उतनी ही परचेज कर रहे हैं. तो अब इसको भी हम इस तरह से ही ड्रॉ कर देते हैं कि जैसे पहले हमने ओरिजिनली जो हमारा टेबल है उसकी तरह हमने जो है डिमांड कर्व जो है ड्रॉ करनी है. फिर उसके बाद हमने बताना है कि जब देखो प्राइस 3 रहती है तो उसके ऊपर हमारी डिमांड कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है. और उसी तरह क्या है कि जो दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि प्राइस जो है हमारी 2 है लेकिन हमारी वहाँ पे डिमांड जो है 3 है, वो ज़्यादा नहीं होती. तो इस तरह से हमने इस तरह से डिमांड कर्व जो है, जो हमारा डिमांड D1 है उसको हमने ड्रॉ कर लेना है, जो कि पैरेलल टू ओरिजिनल डिमांड है जो कि लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज इन डिमांड है. यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं, बेसिकली ये डिक्रीज इन डिमांड है.